रविवार को दुर्ग स्थित गंज मंडी में मानस गान प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर विकास खंड व जनपद पंचायत दुर्ग ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा नूतन मानस मंडली धौरा भाटा पाटन, जय शीतला मानस मंडली कंडरका धमधा ने भी अपनी संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित जनों के बीच समा बांधा। जिला स्तर में चयनित तीनों मानस मंडली द्वारा संगीतमय राम कथा का वाचन किया गया, जिससे पूरे मैदान का माहौल भक्तिमय हो गया था। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी कैसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करे, यह रामचरितमानस में वर्णित है। भगवान राम के आदर्शों, मान्यताओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए राज्य शासन ने जो पहल की है, यह वाकई सराहनीय। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सामने करना, ये हमारा सबसे बड़ा विकास का पैमाना होगा। और तब से हम लोगों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया। सड़कें बनाई, बना रहे हैं, बिल्डिंग भी बना रहे हैं, बांध भी बना रहे हैं, बड़े बड़े पावर स्टेशन भी बना रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की लुप्त होती संस्कृति को, जीवन शैली को, जीवन यापन करने के तौर तरीकों को, तीज त्यौहार को, बोली भाखा को, सबको हम लोगों ने सामने लाने का प्रयास किया है।